आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन में लगभग 433 एमजी गोल्ड पड़ा है। ये सारा का सारा गोल्ड मैंने स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन को रेफर करके अर्न किया है। आप इसकी पीएमवी यानी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू देख सकते हैं, ये लगभग 2530 रुपए है। इस वीडियो के अंदर मैं ये सारा गोल्ड सेल करूँगा और गोल्ड सेल करने की पूरी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। गोल्ड सेल करने से पहले आपको मोर बटन पर क्लिक करके बैंक अकाउंट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अकाउंट चेंज या फिर ऐड कर सकते हैं। जब आपके अकाउंट के सामने ग्रीन लेटर में वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाता है तभी आपको गोल्ड सेल करना है और इसी बैंक अकाउंट में आपकी अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है और यहाँ पर वेरीफाइड भी लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही आप बैंक अकाउंट ऐड कर लोगे तो यहाँ पर वेरीफाई लिखा हुआ आ जाएगा। आप एडिट बैंक अकाउंट पर क्लिक करके बैंक अकाउंट डिटेल एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी बैंक अकाउंट ऐड करते हैं उसी बैंक अकाउंट में जब आप गोल्ड सेल करोगे तो आपकी अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आपको वापस सेविंग सेक्शन में आ जाना है। इस पेज पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पर सेल गोल्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको सेल एनीवे पर क्लिक करना है। आप राइट साइड में एक 2 मिनट का टाइमर देख सकते हैं, यानी प्रत्येक 2 मिनट में गोल्ड प्राइस चेंज हो जाती है। जब आपको बेस्ट गोल्ड प्राइस मिलती है तब आप अपना गोल्ड बेच सकते हैं। टाइमर के लेफ्ट साइड में आप गोल्ड प्राइस भी देख सकते हैं, ये प्राइस 1 ग्राम गोल्ड की है। प्राइस के ऊपर आप सेलेबल गोल्ड अमाउंट देख सकते हैं, यानी आप इससे ज़्यादा गोल्ड सेल नहीं कर पाएंगे। अब आपको गोल्ड सेल करने के लिए गोल्ड की क्वांटिटी फिल करनी है। इस बॉक्स में आप सेलेबल गोल्ड से ज़्यादा क्वांटिटी फिल नहीं कर सकते हैं, यानी आप सेलेबल गोल्ड में जितनी भी अमाउंट देख सकते हैं उतना ही गोल्ड आप सेल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्वांटिटी फिल कर देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने सेलेबल गोल्ड के बराबर ही क्वांटिटी फिल की है, यानी मैं मेरा पूरा गोल्ड बेचना चाहता हूँ। अगर मुझे कम गोल्ड बेचना होता तो मैं यहाँ पर कम क्वांटिटी फिल करता। आप देख सकते हैं इस गोल्ड की कीमत आ रही है लगभग 2530 रुपये। अब आपको रीजन सेलेक्ट करना है, इसमें आप कोई भी रीजन डाल सकते हैं। इसके नीचे आप बैंक अकाउंट डिटेल देख सकते हैं, इसी बैंक अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट की जाएगी। अब आपको रिडीम गोल्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिडीम गोल्ड पर क्लिक करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्लेस कर दी जाएगी और यहाँ पर टाइम पीरियड भी लिखा हुआ आ रहा है, यानी 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपको रियलिटी बता देता हूँ, मैंने ये रिक्वेस्ट कब लगाई थी और ये अमाउंट मेरे अकाउंट में कब क्रेडिट हुई थी। फ्रेंड्स मैंने ये रिक्वेस्ट 13 सितंबर को सुबह 9:06 पर लगाई थी और आप स्क्रीन पर दूसरा स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये पैसा 14 सितंबर को शाम को मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। 14 सितंबर को शाम को 7 बजे मेरे अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हुआ है, यानी लगभग 34 घंटे के अंदर ये पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। बैंक हॉलीडे या फिर संडे के केस में आपका पैसा अकाउंट में आने में देर भी हो सकती है।